तो गाइस जानवी को अभी मैं लेके आ रहा हूँ हॉस्पिटल से, और देख सकते हैं जानवी लेटी हुई है। जानवी, तो गाइस जानवी के पेट में जो था मतलब टांके लगे हैं ना पहले के, तो उसमें दर्द अचानक उठने लगा, तो लेके गया था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल से अभी लेके आ रहा हूँ, हो गए आधा घंटे हो गए और अभी लेटी हुई है जानवी। जानवी क्या हुआ, कैसी तबीयत? ठीक है, दर्द तो नहीं हो रहा? अभी कम हो रहा है। कम हो रहा? खाना खाया? अभी नहीं। नहीं खाया? तो गाइस प्रेगनेंसी में कितना हालत खराब हो जाता है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक माँ के लिए समझो। माँ तो बनना बड़ा कठिन होता है समझो। तो अचानक से दर्द होने लगा गाइस, तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हॉस्पिटल से लेके अभी आ रहा हूँ, 20-25 मिनट हुए होंगे, आधा घंटे। तो जानवी लेटी थी, तो जानवी की तबीयत दिख रहा होगा आप लोगों को कैसे खराब है। जानवी कल से परेशान थे, कल से बहुत दर्द हो रहा था। कल से धीरे धीरे करके, 27 पहले वाला सीजर हुआ था ना ऑपरेशन, तो उसी वजह से अब पता नहीं क्या हो गया। कल से बहुत टांकों में दर्द था, इतना दर्द था कि कुछ पूछो मत। अभी हॉस्पिटल पति को लेके गए थे, वैसे आया दवा लेके, डॉक्टर बोला है, चेकअप ही किया था, बोला है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चा पेट बढ़ रहा है ना, बच्चा भी बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए अब जब पेट बड़ा होगा तो टाँका में खिंचाव होगा तो टाँका दर्द होगी, और कोई खैर दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेगनेंसी में बड़ा दिक्कत होता है जानवी। वैसे नॉर्मल होता है जो इतना दर्द नहीं होता है, लेकिन सीजर है ना तो परेशानी बढ़ती जाती है। वैसा पेट भी बढ़ रहा है, 5-6 महीना पूरा उसी का छठ वाला चुका है, दिक्कत ही दिक्कत है। काम भी करने वाला कोई नहीं है, बच्चा संभालने वाला कोई नहीं है, और कोई काम करने वाला हो तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाए, छोटा बच्चा है तो रेस्ट भी नहीं मिलता है। अगर मैं थोड़ा सा लेट भी जाती हूँ तो वो तुरंत मम्मी पानी चाहिए, मम्मी सुसु आ रही है, मम्मी खाना खाना है, तो उसको भी चाहिए, सारा दिन रेस्ट भी नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। तो पति तो अभी लेके गए थे, और तो थोड़ा सा ठीक है।